Today's our experiment is related to viscosity test of bitumen sample. So first of all, introducing the apparatus and instruments that are required by performing this experiment. ये हम लोग का जो देखो है ये जो apparatus है इसको बोलते हैं tar viscometer. ठीक है, तो ये tar viscometer जो है ये tar viscometer के अंदर ऐसे ये assembly रखा जाता है ऐसे. ठीक है, इसको बोलते हैं mold. ठीक है, तो ये मोल्ड देखो, इसके नीचे देखो ये मोल्ड का एक तुमको होल टाइप दिखेगा, इसको बोलते हैं ऑरिफिस. ठीक है, तो ये ऑरिफिस जो है जनरली दो साइज का होता है. ये ऑरिफिस जो है दो साइज का होता है, एक 4 mm का ऑरिफिस होता है, एक 10 mm का ऑरिफिस होता है. हम लोग को यहाँ पे जो अवेलेबल है ये 4 mm का ऑरिफिस है. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे यूज करते हैं, किसका जरूरत है, ये थोड़ी देर बाद में आ रहा है. नेक्स्ट ये देखो जो ये जो ग्लव्स, ये ग्लव्स है, वन सेट ऑफ ग्लव्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग द बिटुमेन सैंपल. ठीक है, तो ये ग्लव्स का यूज़ किया है कि हम लोग जब कोई बिटुमेन को हीट करते हैं ताकि हम लोग का हैंड्स वगैरह सेफ रहे, इसीलिए ये ग्लव्स यूज होता है. ठीक है, ये देखो बेंजीन है, ये बेंजीन किस काम का है, दिस बेंजीन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग दोज एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें बिटुमेन हम लोग का लग गया है. ठीक है, क्यों बेंजीन यूज कर रहे हैं, इसीलिए बिकॉज बेंजीन में बिटुमेन जो है इजिली सॉल्यूबल. ठीक है, तो किसी अगर एपरेटस वगैरह में बेंजीन मतलब सॉरी बिटुमेन लग जाता है तो बेंजीन से आसानी से हम उसको क्लीन कर सकते हैं. ये जो है ये हम लोग का एक रेडीमेड एक बिटुमेन का सैंपल है, जो सैंपल को हम लोग ये जो हम लोग गैस ओवन है, ये गैस ओवन में हम लोग ऑलरेडी हीट किए हैं. ये जो देखो ये जो मग है, ये मग में ऑलरेडी देखो बिटुमेन सैंपल लगाया हुआ है. ये जो है ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर जो है इसका हम लोग ज़्यादा कैलिब्रेशन वाला थर्मोमीटर यूज़ किए हैं, लगभग 300 देखो यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह टेम्परेचर यह थर्मोमीटर शो कर सकता है. ठीक है, क्यों इसीलिए हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर वाला थोड़ा जानबूझ के यूज़ किए हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर थोड़ा ज़्यादा राइज हो जाता है तो हम लोग इसको विथस्टैंड कर सकता है यह थर्मोमीटर. ये देखो ये जो है ये इसको बोलते हैं स्टेबिलाइजर. ठीक है, स्टेबिलाइजर का काम क्या है, देखो हम लोग ऑलरेडी स्टेबिलाइजर का काम बोलने से पहले देखो ये जो टार विस्कोमीटर है, ये टार विस्कोमीटर का जो ये जो कप है, ये कप का जो नेक है, नेक का बॉटम तक हम लोग पानी डाले हैं. पानी क्यों डाले हैं, क्योंकि ये जो देखो यहाँ पे जो हम लोग का ये जो मोल्ड है, जो मोल्ड हम लोग इसमें घुसाएंगे, ये मोल्ड घुसाने के बाद हम लोग ये जो ऑरिफ इसको हम लोग यहाँ पे बिटुमिन डाल के इसको इंसर्ट करके हम लोग इसको इस लॉक टाइप जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग लगा देंगे. इससे क्या होगा, ये जो पानी है, ये पानी जब हीट होगा, ये पानी से हीट ट्रांसफर होगा टू दिस मोल्ड, जो मोल्ड हम लोग यहाँ पे अभी मैं जो यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट किया, उस मोल्ड में टेम्परेचर या हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम दिस वाटर टू द मोल्ड. तो ये टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर से रेगुलेट करके देखेंगे कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रहे. 60 डिग्री टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करने के लिए हम लोग का ये स्टेबिलाइजर का ज़रूरत है. तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये इसमें जो ग्रीन कलर का एक सिंबल चल रहा है, तो जब भी मेरा टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा फॉल हो जाएगा मतलब तो ये मेरा क्या होगा, ये ग्रीन लाइट जलेगा. मतलब क्या, टेम्परेचर को लोअर से अप टू देखिए अभी ये बंद हो गया, मतलब क्या 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेरा रीच हो गया. ठीक है, इसीलिए मेरा ये कट हो गया, 60 डिग्री से अप हो गया, पावर कट हो गया, मतलब 60 डिग्री टेम्परेचर ही मेरा अभी यहाँ पे मेंटेन हो रहा है. ठीक है, ये ग्रीन लाइट जल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, व्हाट वी कैन कंक्लूड कि टेम्परेचर 60 डिग्री से बिलो है, इसीलिए स्टेबिलाइजर 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रीच करवाना चाहता है, ये करवा रहा है. ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट पे आते हैं. एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या किया, बिटुमिन को ये गैस ओवन से ऑलरेडी हीट किया, बिटुमिन मग में है तुम लोग देख सकते हो. तो बिटुमिन को क्या करेंगे, ये जो हम लोग का ये मोल्ड है, ये मोल्ड के अंदर डालेंगे, डालने के बाद क्या है, इसको हम लोग वो ऑरिफिस के अंदर डाल देंगे ताकि बिटुमिन के नीचे, तो हम मैं ऑलरेडी कुछ देर पहले दिखाया कि नीचे जो है ऑरिफिस का होल है, अगर ये हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे तो ऊपर से जब बिटुमिन डालेंगे नीचे से क्या होगा, निकल. तो बिटुमिन मोल्ड में डाल दिया, डालने के बाद ये इंसर्ट करके ताकि वो होल जाम हो जाए, ये लॉकिंग अरेंजमेंट को हम लोग लगा देंगे. ठीक है, लगाने के बाद टेम्परेचर से मेजर करेंगे, टेम्परेचर मेरा 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए. इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी देर रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये ऑरिफिस को ये जो ये अरेंजमेंट जो है इसको हम लोग निकाल देंगे, ये पिन को हम लोग निकालेंगे. पिन को जब निकाल देंगे क्या होगा, ये नीचे मेरा ब्लैंक हो गया, तो क्या होगा, बिटुमिन क्या होगा, ये ऑरिफिस के नीचे से इजीली फ्लो होके हमको कलेक्ट करना है या बिकर. तो ये बिकर में हम लोग क्या किया, ग्लिसरीन सॉल्यूशन रखे हैं,
कितना तक रखे हैं, 50 ml तक ग्लिसरीन सॉल्यूशन रखे हैं। तो हमको क्या करना है, जब ये अरेंजमेंट को मैं, ये जो बिटुमिन मेरा मोल्ड में है, हम क्या कर रहे हैं, बिटुमिन डालने के बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको, ये पिन को मैं उठा लूँगा। उठाने के बाद क्या होगा, बिटुमिन मेरा नीचे से गिरेगा। ऐसे हम लोग इसको ऐसे बिटुमिन के एकदम परपेंडिकुलरली नीचे ऐसे रखेंगे, क्योंकि बिटुमिन मेरा ये जो ग्लास जार है, 80 ml कैपेसिटी का ग्लास जार है, इसमें मेरा वो बिटुमिन गिरे। कितना गिराना है हमको, ये देखिए हम लोग ऑलरेडी 50 ml तक हम ग्लिसरीन सॉल्यूशन रखे हैं। एक्स्ट्रा 25 ml बिटुमिन गिरने में कितना सेकेंड लग रहा है वो हम लोग को नोट करके रखना है। 10 सेकेंड लग सकता है, 20 सेकेंड लग सकता है, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, कुछ भी लग सकता है। तो इसको उठाने के बाद बिटुमिन मेरा कहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरा। कितना गिराना है, 25 ml गिराना है, मतलब 50 ml मेरा ऑलरेडी ग्लिसरीन सॉल्यूशन है और 25 ml बिटुमिन हमको यहाँ पे गिराना है, ठीक है। मतलब टोटल मेरा कितना हो गया, ग्लिसरीन सॉल्यूशन प्लस बिटुमिन मिल के 75 ml। तो ये 25 ml बिटुमिन ये इसमें ये ग्लास जार के अंदर गिरने में कितना टाइम इन सेकेंड लग रहा है वो हमको नोट करके रखना है, ठीक है। तो वो विस्कोसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो विस्कोसिटी का मतलब क्या है, इनवर्स ऑफ फ्लोबिलिटी, मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो, मतलब जो फ्लूइड का, यहाँ पे हम लोग बिटुमिन लेके डील कर रहे हैं इसलिए बिटुमिन ही बोलेंगे, जो बिटुमिन का विस्कोसिटी ज़्यादा है मतलब फ्लोबिलिटी कम है, ठीक है। तो क्यों ये टेस्ट करने का जरूरत क्या है, क्योंकि ज़्यादा विस्कोसिटी वाला बिटुमिन भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, कम विस्कोसिटी वाला बिटुमिन भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है जो बिटुमिन का, वो रास्ते में जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या विस्कोसिटी ज़्यादा, मतलब क्या फ्लोबिलिटी कम, फ्लो कम करेगा, तो वो क्या होगा, जहाँ पर हम लोग डाले हैं जो रास्ते के ऊपर हम लोग बिटुमिन को डाले हैं वहीं पर वो रह जाएगा, हम लोग इजीली उसको कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते यूजिंग रोलर। और उल्टा अगर देते हैं, जो बिटुमिन इजीली फ्लो करके निकल जा रहा है, ज़्यादा फ्लो हो जा रहा है, मतलब विस्कोसिटी उसका कम है, इनवर्स ऑफ फ्लोबिलिटी, तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा हम लोग का रोड है, यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं बिटुमिन डाला हूँ, तो ये बिटुमिन क्या होगा, फ्लो करके अगर मेरा चल जाता है यहीं पे, तो ये जगह पे जो मेरा एग्रीगेट पार्टिकल्स जो थे वो क्या होगा, प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होगा बिटुमिन के। प्रॉपर अगर बाइंडिंग नहीं होता है तो अंडर सस्टेंड लोडिंग, डायनेमिक और स्टैटिक लोडिंग क्या होगा, वो एग्रीगेट जो है उठ जाए, क्योंकि बिटुमिन एक मटेरियल है जो एग्रीगेट्स को बाइंड करके रखता है, जस्ट लाइक सीमेंट, ठीक है। तो इसीलिए विस्कोसिटी टेस्ट करने का जरूरत यही है कि हम लोग का एक्चुअली जो ग्रेड है वो ग्रेड का विस्कोसिटी क्या है, क्योंकि ज़्यादा ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा विस्कोसिटी भी हार्मफुल है और कम विस्कोसिटी भी हार्मफुल है। तो जनरली ये विस्कोसिटी हम लोग टेस्ट मतलब कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए ये जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो मोल्ड है, ये मोल्ड का जो ऑरिफिस है उसका साइज है 4 mm, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर। उसके साथ 4 mm ऑरिफिस के लिए सेंटीस्ट्रो जो यूनिट है मेरा डायनेमिक विस्कोसिटी का, वही हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। तो वो सेंटीस्ट्रोक, 1 सेंटीस्ट्रोक इक्वल्स टू 0.076 सेकेंड फॉर 4 mm ऑरिफिस। यहाँ पे हम लोग 4 mm ऑरिफिस ही है, 10 mm ऑरिफिस भी होता है, 10 mm ऑरिफिस के लिए उसका एक रिलेशन है सेंटीस्ट्रोक के साथ सेकेंड का। क्या रिलेशन है 10 mm ऑरिफिस का, 1 सेंटीस्ट्रोक इक्वल्स टू 0.0025 सेकेंड। टेम्परेचर, टेस्ट टेम्परेचर कितना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। तो एक सेंटीस्ट्रोक फॉर 4 mm ऑरिफिस विच वी आर यूजिंग ओवर हियर, 4 mm ऑरिफिस के लिए 1 सेंटीस्ट्रोक इक्वल्स टू 0.076 सेकेंड, ये रिलेशन है। तो मान लीजिए ये 25 ml बिटुमिन हमको यहाँ पे कलेक्ट करना है आफ्टर रिमूविंग दिस पिन फ्रॉम द मोल्ड, ये 25 ml बिटुमिन ये ग्लास जार के अंदर फिल करने में मान लीजिए 10 सेकंड लगा। तो एक सेंटीस्ट्रोक समान है 0.076 सेकंड फॉर 4 mm ऑरिफिस, तो 10 सेकंड मान लीजिए अगर मेरा लगता है बिटुमिन 25 ml बिटुमिन को ये ग्लास जार में फिल करने में, तो 10 सेकंड के लिए सेंटीस्ट्रोक कितना होगा, 1 सेकंड समान है 0.076 सेकंड, तो 10 सेकेंड अगर लगता है ये फिल करने में तो उसके लिए कितना सेंटीस्ट्रोक, 1 सेंटीस्ट्रोक इक्वल्स टू 0.067, सो 10 सेकेंड्स इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीस्ट्रोक, विच इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी विच वी नीड टू टेस्ट और मेजर ओवर हियर इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये है हम लोग का प्रोसीड्योर और ये है थ्योरी। अब जो टेस्ट प्रोसीड्योर है, ये टेस्ट प्रोसीड्योर हम लोग करके डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग का जो स्टॉप वॉच है, ये स्टॉप वॉच मैं ऑन करूँगा, तभी ऑन करूँगा जब ये पिन को मोल्ड से मैं उठाऊँगा, ठीक है। तो तभी स्टॉप वॉच ऑन होगा, और जब मेरा 25 ml फिल हो जाएगा ये ग्लास जार में,
बच्चे समय क्या फील होगा, बिटुमिन इसको रिमूव करने के चलते बिटुमिन जो वर्फिस के नीचे से गिरेगा, ये ग्लास जब है वो डिपॉजिट होगा, वो 25 ml बिटुमिन डिपॉजिट होने में हम लोग को स्टॉपवॉच में कितना सेकंड हो रहा है वो हम लोग नोट करेंगे, बाद में कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे उठा रहे हैं, उठिए से कुछ साइड कर लो, अरे एक तो एक ग्लास जार तो हमारे को इधर उधर कुत्ता हो ना, वैसे तो ठीक पॉइंट पर है, अरे एटा एटा काज करते लगते इसको तो थर्मामीटर पर अति तोल लग गई थी, खिंचाट तो हमारे किंतु बड़े मार लगे একটু সরাবি, ঠিক আছে, এদিক ওদিক করবি। পেরো পেরো কোনো চাপ নাই, আমি কি পিনটাকে আর একটু সরাবো, ফোন চলে এলো আগেরটাতে, ঠিক আছে কোনো চাপ নেই, ভিডিওটা অন আছে তো, আমরা অন করে দিলাম, ঠিক আছে ঠিক আছে, সেভ হয়ে তো রাউন্ড, ওই টাইমটা দেখাচ্ছে তো, আবার নতুন করে নিয়ে নিল, আবার নতুন নড়া তো এটা গ্লিসারিনটা, সামনেটা দেখা, সামনেটা দেখা, সামনেটা ই করলে তো বুঝতে পারবি না, সাইডে লাগবে, বললাম দেখ বললাম ঘোরাস না সাইডে লেগে যাবে, লাগু ওটা ঠিক কর না, যেটা সাইডে বেড়েছে বুঝলি তো, হয়ে গেছে তো পেনের দাগ এসছে, ও বন্ধ করে দিচ্ছি, ওটা বন্ধ করে দাও, आप देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किए हैं कि हम लोग का जो ऑरिफिस था, यह हम पहले ही बोले हैं कि हम लोग जो ऑरिफिस है टार विस्कोमीटर में वो 4 mm का ऑरिफिस था, ठीक है। तो मैं एक रिलेशन बताया था एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में कि फॉर 4 mm ऑरिफिस ऑफ अ टार विस्कोमीटर 1 centistroke इक्वल्स टू 0.076 seconds, ये सेंटिस्ट्रोक क्या है, सेंटिस्ट्रोक जो है ये सेंटिस्ट्रोक है हम लोग का काइनामेटिक विस्कोसिटी का यूनिट, काइनामेटिक विस्कोसिटी जो है इसका यूनिट है हम लोग का सेंटिस्ट्रोक, ठीक है। तो फॉर 4 mm ऑरिफिस हम लोग का यहाँ पे 4 mm ऑरिफिस ही यूज़ हुआ है टार विस्कोमीटर में हम लोग का जो अपैरेटस है, तो एक सेंटिस्ट्रोक समान है 0.076 seconds, ये रिलेशन है, ठीक है। जैसे कि मैं 10 mm ऑरिफिस के लिए भी बताया था, 10 mm ऑरिफिस के लिए मैं कितना बताया था कि 1 centistroke इक्वल्स टू 0.0025 seconds, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 25 ml बिटुमिन वो ग्लास जार में फिलअप करने में हम लोग का टाइम लगा
स्टॉप अप शायद आप लोग देखे हैं कि 2 मिनट 55 सेकेंड 99 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो 2 मिनट 50 सेकेंड को पकड़ते हुए हम लोग का सेकेंड आ रहा है कितना, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड दैट इज 170 सेकेंड, ठीक है। तो एक सेंटीस्ट्रोक समान 0.076 सेकेंड, तो 170 सेकेंड यानी 170 सेकेंड समान कितना सेंटीस्ट्रोक, इसको गुना करते हुए हम लोग को मिला 12.92 सेंटीस्ट्रोक, ठीक है। तो ये है हम लोग का कैलकुलेशन। तो एक चीज़ मैं बताना पहले भूल गया था, सॉरी फॉर दैट, कि यहाँ पे जो आईएस कोड, ये जो एक्सपेरिमेंट जो आईएस कोड के अंदर आता है, दैट आईएस कोड इज 1206 1978, ठीक है। तो हम लोग का एक्सपेरिमेंट का फाइनल जो रिजल्ट है, ये बिटुमिन सैंपल जो हम लोग यूज़ किए हैं उसका कितना सेंटीस्ट्रोक आया वैल्यू, दैट इज विस्कोसिटी कितना आया 12.92 सेंटीस्ट्रोक, 12.92 सेंटीस्ट्रोक इज अवर फाइनल रिजल्ट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज डिटरमाइनिंग द विस्कोसिटी ऑफ अ बिटुमिन सैंपल।